वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 9 गणित में अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक बिंदु, बिंदु एक अपरिभाषित तत्व है जिसे निम्न कथन द्वारा समझा जा सकता है। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। एक बिंदु वह अनुमान है जो पेंसिल के बारीक नोट से बनाया जाए, ठीक है। सपोज एक पॉइंट को भी हमने पॉइंट आउट किया, इस प्रकार बनाया, तो ये क्या कहलाया, एक बिंदु। एक बिंदु कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, यह केवल स्थिति को दर्शाता है। किसी बिंदु को नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बिंदु एक्स किसी त्रिभुज का शीर्ष। सपोज हमें कोई चित्र बनाना है, ठीक है, जैसे हमने एक चित्र बनाया, यहाँ ड्रॉ किया, तो ये इन्हीं तीन बिंदुओं से होकर ये चित्र बनेगा। ये इस प्रकार के डॉट्स लेंगे, देखो आप उसको और क्लियर समझो, ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये बिंदुओं से मिलके क्या तैयार हुआ, त्रिभुज तैयार हुआ, ठीक है। ये हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। आगे आता है रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं का है समूह है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ठीक। तो एक ड्रॉ करते हैं रेखा, इस प्रकार ड्रॉ की जाएगी, देखते हैं यहाँ पे तुम देखो इस प्रकार की तुमने रेखा बिंदु ड्रॉ किया, तो बहुत सारे अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदु के संग्रह से एक रेखा का निर्माण है, ठीक। आगे एक सीधा रास्ता जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। किसी रेखा की लंबाई को नापा नहीं जा सकता है, किसी रेखा को कागज पर केवल दर्शाया जा सकता है। दर्शाने के लिए कोई दो बिंदु लेते हैं, ठीक। सपोज हमने लाइन ड्रॉ की, इसमें कोई भी दो बिंदु पॉइंट्स ले लिए हमने, एक पॉइंट यहाँ इसका नाम ये लिया, दूसरा पॉइंट इधर लिया इसका नाम, ठीक। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर से निरूपित कर सकते हो, जैसे ए बी, अब ये रेखा हो गई ए बी, ठीक। इसको लिखेंगे क्या, रेखा, ठीक है। चलिए अब एक आता है शब्द प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कहलाती है ठीक, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, चित्र में आप लोग एक रेखा ए से बी ये ड्रॉ की है, फिर सी से डी, ठीक, तो एक दूसरे को कट करती है, ठीक। जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कट करने को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाते हैं, ठीक। सरल तरीके से समझो, सपोज ये लाइन ड्रॉ की हमने, दूसरी, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इन रेखाओं के नाम ए बी सी एंड डी, ठीक। इस पॉइंट को
समांतर रेखा। ऐसी दो रेखाएं या दो या दो से अधिक जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, समांतर मतलब एक दूसरे को कट ना करें और बिल्कुल सीधी सीधी जाए। एक रेखा लेंगे अपन, देखो जो एक रेखा ली हमने, फिर एक दूसरी रेखा ली जो बिल्कुल इसके लंबवत है, हाँ ये कहलाती है समांतर। तो नाम दे देते हैं एल एम ओ और ये एल एम और ओ पी क्या है समांतर रेखाएं। इसको कैसे लिखेंगे देखो, एल एम व ओ पी में आपको जानकारी हो गई। अब चलते हैं कोण पे। जब दो किरण एक ही अंतःबिंदु से प्रारंभ होती है उसे कोण कहते हैं। एक ही अंतःबिंदु, इसका अर्थ है एक रेखा खींची हमने यहाँ पे और उसका इसी बिंदु से हमने एक दूसरी रेखा यहाँ पर खींची। इसके बीच का जो है पार्ट ये कहलाता है कोण। इसका नाम दे देते हैं जी ओ ए रेखा और रेखा ओ बी। ठीक, रेखा ओ ए रेखा ओ बी। ठीक, कोण जो बनेगा दो रेखाओं के मध्य के बीच के भाग के कोण कहते हैं। तो बी ओ ए, बी ओ ए या ए ओ बी। ठीक, कोण का चिन्ह इस प्रकार होगा कि कोण बी ओ ए या कोण ए ओ बी। ठीक है स्टूडेंट, तो कोण का चिन्ह जान गए हैं। इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार हो कुछ भी लिखना है, जैसे कोण ए लिखना है, कोण बी, कोण सी, ये सारे कोण कहलाते हैं। ठीक, आइए कोणों के प्रकार का अध्ययन करें। पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक, न्यून के नाम से आपको मालूम होना चाहिए जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण किस प्रकार बनेगा देखो, दो रेखाएं लेंगे हम, और 90 अंश के बीच, ठीक है, इस प्रकार के बने कोण को कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, नब्बे डिग्री से कम नामांकित करेंगे ए ओ ए और बी। ठीक, अब दूसरा आता है समकोण। जिस कोण की माप 90 अंश या डिग्री के बराबर होती है उसे समकोण कहते हैं। समकोण 90 अंश का होता है। ठीक, ये रेखा का बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। देखो बच्चों, गणित में चित्र बनाते हैं उसमें ये वाला एक टूल उठाते हैं, ठीक,
इसको प्रोटेक्टर या चांदा कहते हैं, ठीक है। ये चांदा आपको हर शॉप में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये शॉप से लेके आपको चित्र को बनाना, ठीक, और रेखागणित को तैयार करना। अब इस चांदे को देखिए, हमने चांदे को यहाँ रखा है, ये स्थिति देखिए। पहले आप ये 90 डिग्री है सबसे ऊपर, आपको बता दूं मैं, ये 0 से लेके 10 20 30 40 50 60 70 80 ये 90 डिग्री तक गया है। फिर 100 110 से लेके पूरा 180 तक, चांदे में 0 से लेके 180 अंश तक के माप और चिन्ह रहते हैं, ठीक। इसी प्रकार आउटर लाइन में भी है 0 से लेके 180 तक, ठीक है। तो हमको जो करना है गणित में वो आपको ये अंदर वाले लेने हैं 0 से लेके, ठीक है। तो न्यून कोण के लिए जब हमने बताया था आपको कि 0 से 90 के बीच का कोण, तो 90 के बीच का कोण क्या है ये, इसको जब हम नापेंगे ये आएगा 35 डिग्री। आया समझ में, कितना आएगा ये 35 डिग्री, ठीक है। कैसे, ये वाला जब हम लेंगे तो ये 35 इधर आ रहा है, ये ठीक, ये न्यून कोण कहलाएगा। अब समकोण में मैंने 90 डिग्री बोला है ना, तो अब इसको चांदे को उठा के जब हम यहाँ रखेंगे, ये इसकी ये स्थिति है, सही स्थिति। आप लोग भी जब हल करेंगे तो ऐसे ही रखेंगे, इस सही स्थिति में इसको रख के पूरा ये 90 डिग्री को टच करना है, ठीक है। तो ये हो गया समकोण, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। अब इसको नामांकित कर लेते हैं, 0 ए और बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोण, ये कहलाएगा समकोण, और इसकी वैल्यू होगी कोण ए ओ बी बराबर है 90 अंश, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी कोण ए ओ बी बराबर है 35 अंश, ठीक है। चलिए तीसरा कोण आता है इंपॉर्टेंट, अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 अंश, अंश इसको डिग्री कहते हैं हम, से लेकर 180 अंश के बीच होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। 180 के बीच का, तो हम कोई भी कोण ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, हाँ। तो अब फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए एक रेखा ड्रॉ की हमने यहाँ, ठीक है, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, ठीक। अब इस कोण को, इस प्रोटेक्टर को उसके ऊपर रखा हूँ, ठीक। तो नाप के देखते हैं कि कितना आएगा, हाँ ये आएगा 135, ठीक। तो ये 180 से कम है, ठीक है। आप लोगों को भी संख्या मालूम होनी चाहिए, 0 90 से अधिक, हाँ, और 180 से कम, हाँ। जब हमने 40 से नापा तो क्या आया, 100 इसका 135, ठीक। तो ये 180 से क्या है, लेस है, कम है, ठीक है। तो ओ ए और ये बी, कोण ए ओ बी बराबर 135, ठीक। अगला कोण है सरल या ऋजु कोण, जिस कोण की माप 180 अंश के बराबर होती है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण है जो सीधी रेखा होगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये रेखा खींची, ठीक, इसको कहते हैं सरल कोण, क्योंकि ये 0 से लेके क्या होगा, ये 180 तक होगा। अब यही प्रोटेक्टर को उठा के हम यहाँ रखते हैं, इसके बीचों बीच रखते हैं, तो देखो बच्चों आप लोग को, देखो 0, ठीक, 0 से लेके हम इसको गिनते गिनेंगे 180 होगा, ठीक। तो 0 और 180,
और नहीं है। डिग्री सरल या रुचि कोण का होता है। अगला कोण है पूरा कोण। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश हो उसे पूरा कोण कहते हैं। कोई भी दो संख्या लेते हैं जैसे 50 और 40, ठीक है, 50 40 को जोड़ते हैं 50 + 40, हाँ तो क्या आएगा ये 90 अंश। ये क्या आएगा पूरा कोण। कोई एक और उदाहरण लेते हैं 40 और 50, ये भी आएगा 90। एक और लेते हैं 50 के साथ क्या लेंगे हम 60 ले लेते हैं ना, 60 और ये 30, ये हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो ये पूरा कोण का उदाहरण है। हाँ अब अगला आता है संपूरक कोण। जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश हो, हाँ 180 अंश होने के लिए फॉर एग्जाम्पल पहला कोण है 100 डिग्री का, हाँ तो दूसरा कोण क्या कितने का होगा 80 का होगा, ठीक है, प्लस 80। ये टोटल जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, ठीक। इसी प्रकार 120 अंश लेंगे दूसरा 120 के साथ 60 अंश लेंगे तो क्या होगा 180। ये पूरा और संपूर्ण कोण के उदाहरण है, ठीक। अगला है शीर्ष अभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदी बिंदु एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आपने इसके पूर्व प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में अध्ययन किए, दो रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है ना, ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। ए बी के नाम है बी सी और डी, ठीक। तो ए बी और सी डी ये कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। अब प्रतिच्छेदी कोण, जो प्रतिच्छेदी कोण है वो इस प्रकार होंगे। यहां देखो बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए, एक कोण ए ये जो घनिष्ठ बिंदु को वो लिख देते हैं, तो पहला कोण हो गया ए ओ डी, ठीक। दूसरा कोण ये वाला बनेगा बी ओ सी, ठीक। तीसरा कोण बनेगा ए ओ सी और चौथा कोण बनेगा बी ओ डी, ठीक है। ये चार कोण जो है उनके दो दो युग्म होंगे, ठीक। देखते हैं, लिखेंगे यहाँ कोण ए ओ और डी, इसको कहेंगे कोण ए, किसी प्रकार B और C है ना, तो B O और C, ठीक। कोण दो फिर कोण तीन कौन सा था ये, तो इसका नाम होगा A O C, A O C। कोण तीन और कोण चार B O D, ठीक है। ये रेखाएं और ये पूरे क्या है कोण, आपको उसकी जानकारी हो गई, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण, ठीक है। तो विपरीत ही तो कोण बन रहा है, जैसे एक के विपरीत कौन सा बन रहा दूसरा है और तीन के विपरीत चौथा बन रहा है, इस प्रकार के कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। होमवर्क आपको पहला कोण किसे कहते हैं, दूसरा है कोणों के कितने प्रकार होते हैं उदाहरण सहित समझाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, तांबे की सहायता से
बनाएंगे। आपको बनाना है 120 अंश का, दूसरा 70 अंश, तीसरा 60 अंश, 140 अंश, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दो, बिंदु किसे कहते हैं? समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ठीक, आज के लिए इतना ही। आपको रेखा गणित की कॉपी, ज्योमेट्री की कॉपी बनानी है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। चित्र बनाना है, अच्छे से साफ सुंदर अक्षर लिखना है, चित्रों का उपयोग करना, और ये चांदी का उपयोग तो बहुत जरूरी करना है। आया बच्चों समझ में आपको? ये चांदा है, ठीक है ना, आपको हमने समझा दिया है। आपको इसको ये लीजिए, देखिए इसमें अंश है, देख के आप अच्छे से बनाएंगे और इसमें सब लिखिए, ठीक है। बना के लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।